अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम यहाँ देखेंगे कि कायदा यकसा हो तो कुव्वत नुमा वाले आदात का ज़र्ब कैसे करते हैं। यहाँ पर हम पहली मिसाल देखते हैं कि दो की कुव्वत चार, ज़र्ब दो की कुव्वत तीन। हम जानते हैं कि जिस अदद की जितनी कुव्वत होती है उसका उतनी मरतबा ज़र्ब करते हैं। फिर हम यहाँ लिखेंगे उस तरह से दो का चार मरतबा ज़र्ब। देखिए, हमने लिख लिया दो की कुव्वत चार यानी दो का चार मरतबा ज़र्ब। इसके बाद ज़र्ब दो का तीन मरतबा ज़र्ब, फिर ज़र्ब लिख कर दो का तीन मरतबा ज़र्ब लिखेंगे। ये देखिए, ज़र्ब लिख कर हमने फिर दो का तीन मरतबा ज़र्ब लिख दिए। अब हमने देखा कि दो की कुव्वत चार ज़र्ब दो की कुव्वत तीन यानी दो की कुव्वत सात। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने दो को सात मरतबा ज़र्ब किया कुल मिलाकर, तो हमने नतीजा अख़ज़ किया कि इसके बिना पर यह नतीजा अख़ज़ किया हमने कि दो की कुव्वत चार ज़र्ब दो की कुव्वत तीन बराबर दो की कुव्वत चार जमा तीन। यानी अगर इनके असास यकसा है तो उनकी कुव्वतों की यहाँ पर जमा हो रही है, दो की कुव्वत सात ही हमारा जवाब आया। इसके बाद हम दूसरी मिसाल देखेंगे। मिसाल वही है, बस उसके असास बदले हुए हैं। दोनों के असास यकसा है, मनफी तीन मनफी तीन, दोनों का जितनी कुव्वत है उतनी मरतबा ज़र्ब कर देंगे। पहले का दो मरतबा ज़र्ब कर दिया, दूसरे का तीन मरतबा ज़र्ब कर दिया, क्योंकि एक की दो कुव्वत थी एक की तीन कुव्वत थी। अब कुल कितनी मरतबा ज़र्ब हो गया? इसके बिना पर हम देखेंगे कि उनका दोनों का कुल पाँच मरतबा ज़र्ब हुआ। तो इन दोनों कुव्वतों की जमा करेंगे, असास यकसा ही रहेगा। देखिए, ये असास है, ये असास वैसे ही है, और कुव्वतें दोनों दो के जमा दो जमा तीन कर दी हमने। यहाँ पर दो जमा तीन यानी पाँच आ गया हमारा जवाब। इस तरह से एक और मिसाल देखेंगे हम। देखने में मिसाल बड़ी मुश्किल लग रही है, क्योंकि असास थोड़ा नसब नुमा कुव्वत शुमार गुनिंदा नसब नुमा में है, लेकिन जवाब इसका बहुत ही आसान है। यहाँ पर भी असास यकसा होने के बिना पर हम सिर्फ कुव्वतों पर नज़र करेंगे। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि ये उसूल सिर्फ ज़र्ब के दौरान ही किया जाता है कुव्वत नुमा का। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने दो मरतबा और तीन मरतबा इनका ज़र्ब, ऐसे कुल पाँच मरतबा ज़र्ब कर दिए। इस बिना पर हमने यहाँ पर जवाब अख़ज़ किए कि दो और तीन इनकी जमा पाँच आती है, तो हमारा जवाब पाँच आ गया। इससे हम ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि अगर ए कोई नातिक अदद हो और एम और एन मजबूत सही अदद हो, तो ए की कुव्वत एम ज़र्ब ए की कुव्वत एन यानी असास यकसा है, और कुव्वतें यहाँ पर अलग अलग दिखाई गई हैं, तो असास यकसा ही रहेगा, एक ही रहेगा, और यहाँ पर दोनों कुव्वतों की जमा होंगी। ये हमारा कुव्वतनुमा का पहला उसूल है, जो हमेशा आपको याद रखना है। इसके बाद आपसे मशक़ी सवाल पूछे जाएंगे, तो मशक़ें कैसे हल करनी है हम देखते हैं कि एक सवाल पूछा जाएगा, मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। वो ऐसी ही मिसाल है, मुख्तलिफ किस्म के असास हो सकते हैं, हमें सिर्फ कुव्वत नुमा पर यानी कुव्वतों पर कंसंट्रेट करना है। यहाँ पर पाँच चार की कुव्वत पाँच और चार की कुव्वत तीन इस तरह से दिया हुआ है। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर भी वही अमल है, असास दोनों के यकसा है, हमने असास वही लिखा और दोनों कुव्वतों की जमा लिख दी, और उसका जवाब आ गया आठ, पाँच और तीन की जमा आठ आ गया।